उसने एक अलग ही खेल खेल दिया है। यहाँ रूस हार की नौबत पे था तो वहीं दूसरी तरफ यूरोप में बदल गई सरकार। इटली में क्या रूसी सरकार का हो गया है कब्जा, जानेंगे रूस ने ऐसा क्या किया है। तो वहीं दूसरी तरफ भारत को मिला सबसे शक्तिशाली भारत का युद्धपोत। 7 ऐसे युद्धपोत भारत को मिलेंगे। वैसे भारत ने इसे बिल्कुल चुपचाप क्यों सेना में शामिल कर दिया, जानेंगे क्या कुछ है मामला। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। भारत अपने आसपास के खतरों को बहुत अच्छे से समझता है। ऐसे में भारत लगातार उस दिशा में काम कर रहा है जिससे भारत समंदर हो या जमीन हो या आसमान हो, तीनों में मजबूती से खड़ा रह सके। अब भारत एक बेहद ही महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है और वो प्रोजेक्ट है प्रोजेक्ट 17A। इस 17A के तहत भारत अपने ही देश में स्टिल्थ फ्रिगेट बना रहा है। वैसे आपको बता दें ये स्टिल्थ फ्रिगेट बन चुका है और बन के 11 तारीख को भारतीय सेना में शामिल भी हो गया है। हालांकि ये जो आयोजन था बहुत ही नॉर्मल रखा गया, इसलिए नॉर्मल रखा गया क्योंकि इधर हाल ही में यूके की महारानी की मौत हुई और जिसको लेकर राष्ट्रीय शोक था, इस वजह से इस कार्यक्रम को बहुत ही लो प्रोफाइल रखा गया। पर भारत का पहला स्टिल्थ फ्रिगेट तारागिरी मिल गया भारतीय नौसेना को, जिसने ज्वाइन कर लिया। अब सबसे अच्छी बात यह है कि 75% इस प्रोजेक्ट को बनाया गया है मेक इन इंडिया कार्यक्रम के तहत। और दूसरी बड़ी बात यह है कि इसमें वो सारी खूबियां रखी गई हैं जो एक एडवांस फ्रिगेट में होती है। वैसे फ्रिगेट का काम क्या होता है तो आपको बता दें, जिस तरीके से हमारा विक्रांत लॉन्च हुआ है, विक्रांत का ये सहयोगी के रूप में काम करेगा, उसकी सुरक्षा को लेकर काम करेगा। और बड़ी बात यह है कि फ्रिगेट अपने आप में काफी ताकतवर है। ये जहां 3 पिन वाले टॉरपीडो को भी फायर कर सकता है तो वहीं कई मिसाइल सिस्टम को भी अपने आप में समेटे हुए है जो वक्त पड़ने पर काम आएगा। वैसे आपको बता दें ये जो फ्रिगेट हैं ये स्टिल्थ हैं, यानी कि रडार की पकड़ से बाहर हैं, जो भारतीय नौसेना के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। और ऐसे एक नहीं बल्कि 7 फ्रिगेट बनने हैं। भारत को ये पहला मिल चुका है, इसके अलावे और पर भी काम चल रहा है। वैसे आपको बता दें इस तारागिरी फ्रिगेट के लॉन्च के साथ ही इसके जो भी फीचर्स थे उन्हें इस्तेमाल किया गया और उन्हें परीक्षण भी किया गया जो पूरी तरीके से सफल हुए। वैसे कहा जा रहा है इसके साथ ही जल्द 2 सिस्टर शिप इससे ज्वाइन करेंगे, यानी 2 और शिप बहुत जल्द ज्वाइन करेंगे और भारतीय नौसेना के लिए ये बहुत उपयोगी सिद्ध होंगे। खैर, इस तरीके के अब हथियार भारत में बनने लगे हैं कि भारत को दुनिया के दूसरे देशों को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। भारत का अपना ही टेक अब इस तरीके के हथियार भारतीय नौसेना को देने लगा है। खैर, जहां एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है तो वहीं दूसरी तरफ पुतिन ने तो बवाल खड़ा कर दिया है यूरोप में, और ऐसा लग रहा है जैसे पुतिन का ये दांव बिल्कुल काम कर रहा है। ये जो इलाका आप देख रहे हैं यूरोप को लेकर, जहां अमेरिका एक तरीके से चाल चलता रहता है तो वहीं रूस भी चाल चलता है। अमेरिका चाहता है कि रूस के दरवाजे तक नाटो की सेना पहुंच जाए और इसके लिए आज से नहीं बल्कि 20-30 सालों से अमेरिका काम कर रहा है, लगातार बाल्टिक देशों को, यूरोपीय देशों को अपने पाले में लाने की कोशिश कर रहा है। वैसे आपको बता दें यूरोपीय यूनियन जब किसी के पक्ष में खड़ा हो जाता है तो ये माना जाता है कि वो बेहद ताकतवर है। और अमेरिका भी जब कोई बड़े फैसले लेता है तो यूरोपीय यूनियन को अपने साथ मिलाकर ही चलता है ताकि उसके फैसले पे असर न पड़े। वैसे देखने को मिला रूस यूक्रेन की लड़ाई में भी कि किस तरीके से यूरोप एक हो गया और यूरोप ने 200 दिन के इस युद्ध में हथियारों की कमी नहीं होने दी यूक्रेन को। यूरोप ने लगातार इसमें दिए अपने हथियार, जिसमें कई
सारे यूरोप के ऐसे भी देश थे जो अपने हथियारों का जखीरा खाली कर चुके हैं। वैसे आपको बता दें, जर्मनी, उनका भी जखीरा खाली हो चुका है। पोलैंड, उनका भी जखीरा खाली हो चुका है। हालांकि फ्रांस ने इस बार शुरुआत में ही कह दिया, इसी महीने के शुरुआत में, कि अब थोड़ा सा लग रहा है जैसे यूरोप की एकता में कुछ प्रॉब्लम हो रही है। वैसे आपको बता दें, रूस शुरू से कोशिश करता रहा है कि यूरोप की एकता को तोड़ा जाए। यूरोप की एकता अगर टूट जाएगी तो फिर जो रूस को घेरने का अमेरिका का प्लान है, वो प्लान बिल्कुल खत्म हो जाएगा। अब हुआ भी यही है, रूस ने एक चाल में जैसे कि पूरे यूरोप को मात दे दिया है। हुआ ये है कि इस युद्ध की वजह से परेशानियां यूरोप में और लगातार बढ़ती जा रही है। बाल्टिक और पूर्वी यूरोप में कई नेता नाराज हो गए हैं। कईयों को ऐसा लगता है जैसे रूस के साथ बेकार की ये लड़ाई चल रही है और इस लड़ाई को तुरंत ही बंद कर देना चाहिए। जबकि छोटे बड़े कई देश यूक्रेन को मदद कर रहे हैं, पर अब असर तो होता हुआ दिख रहा है, क्योंकि पूरे यूरोप महाद्वीप में धीरे धीरे महंगाई बढ़ती जा रही है और इस महंगाई को संभाल पाना आसान नहीं हो रहा है। यूरोप में कुछ देश हैं जो रूस के प्रति बहुत सख्त रवैया अपना रहे हैं, तो वहीं कुछ देश हैं जो रूस के प्रति सख्त रवैया अपनाना नहीं चाहते हैं। आपको बता दें, रूस के नागरिकों के ऊपर कई बाल्टिक देश हैं जो लगा रहे हैं प्रतिबंध, यानी अपने देश में आने नहीं देना चाह रहे हैं। तो वहीं रूस ने भी गैस को बंद करके यहाँ पे अचानक से महंगाई को बढ़ा दिया है। अब इन सब के बीच में कहा जा रहा है कि इटली में रूस ने एक बड़ा खेल कर दिया है। इटली में चूंकि चुनाव होने जा रहे हैं और इटली में इस वक्त पुतिन की सरकार बन सकती है, इस तरह की बातें कही जा रही है। क्योंकि जो गठबंधन है, वो गठबंधन ऐसे लोगों का माना जा रहा है जो व्यवसायी समुदाय के हैं, और उन्हें लग रहा है कि रूस के ऊपर लगे हुए प्रतिबंधों की वजह से व्यवसाय खतरे में चल रहा है, और ऐसे में इतनी जल्दी हो सके रूस के खिलाफ जाने का ये ख्याल निकाल दिया जाना चाहिए और रूस के साथ ही आगे बढ़ना चाहिए। वैसे इटली में अगर पुतिन के समर्थन वाली सरकार बनती है तो समझ लीजिए कि यूरोप में दो फाड़ होना तय है। वैसे इन सब के बीच में जर्मनी ने एक बात कही है, और जर्मनी ने माना है कि यहाँ यूरोपीय यूनियन का अगर कोई भी फैसला होता है तो इस यूरोपीय यूनियन में भारत की भी हिस्सेदारी होनी चाहिए और भारत को इस तरह के फैसले में शामिल करना चाहिए। कि चीन से अलग पहली बार ऐसा है जब जर्मनी और यूरोपीय देश भारत की तरफ भी देख रहे हैं, पर यहाँ अगर यूरोप को तोड़ने में रूस कामयाब हो जाता है तो फिर पूरा रुख ही एक अलग बदला हुआ नजर आएगा। वैसे इन सब मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।